हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो मैं आज आपको एक मोबाइल रेडमी नोट 5 का डिस्प्ले लगा कर दिखाऊंगा और आप भी बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो और कहां से लगाएं और क्या क्या प्रोसेस है। आपके पास जुगाड़ नहीं है मशीन डिस्प्ले खोलने का, तब भी आप कर सकते हैं नॉर्मल जुगाड़ से। तो चलिए मैं नॉर्मल जुगाड़ का उपयोग करके करते हैं। तो देखिए, हमारे पहले तो स्टेप है चाकू का। तो इस चाकू से आप पैक कवर आपका खुल जाएगा, रेडमी फ़ोन, वीवो और कुछ लोकल फ़ोन बैक साइड वाला। सैमसंग में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ फ़ोन में डिस्प्ले की तरफ से खुलेगा। तो देखिए, मैंने इस बैटरी का भी आपको निकालना में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेढ़ा भी हो सकता है, तो आप बाद में सीधा कर सकते हैं। तो जो इस तरीके से मैं बैटरी को निकाला हूँ, क्लिप को भी स्टील के रूल से, तो बैटरी आपका नॉर्मल निकल जाएगा। तो देख लेते हैं पहले ऑन करके इसमें डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं डिस्प्ले को ऑन कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो रहा है। अब देखिए, हमारा डिस्प्ले पूरा किया हुआ, इसके टच नहीं टूटा। तो उसके डिस्प्ले मार करके ओरिजिनल टच बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोटेक्शन रहता है, जिसके कारण इसका जो है ओरिजिनल डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो मैं इस डिस्प्ले को पत्ता को खोल देता हूँ और इसके जो है डिस्प्ले ही चेंज करूँगा लोकल। तो आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ मैं, ये डिस्प्ले लेकर आया हूँ। तो पहले आप जब भी डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ आगे, जो बता रहा हूँ उसी तरीके से करना आपको। तो ये डिस्प्ले लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा, आपको शॉप का पता करना जहाँ से डिस्प्ले आप अच्छे तरीके से और अच्छा क्वालिटी में ख़रीद पाए। तो ये हमने अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले लेकर आया लोकल का, तो ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड नहीं बोलूँगा, लेकिन सेम ब्रांडेड जैसे दिखना चाहिए, जैसे लगे कि ब्रांडेड हूँ। तो ये डिस्प्ले मैं पहले ही इसको खुलवा लिया हूँ एक शॉप से, 50 रुपये कुछ पैसा देके। तो आप 50 रुपये देके आप वहीं से खुलवा लें। तो ये मैं खुलवा कर रखा हूँ, तो आप ये ना बोले कि दिखाया नहीं। तो ये लगभग आप करना चाहते हैं ऐसा काम, तो आप किसी शॉप से सिर्फ डिस्प्ले आपको खुलवा लेना है और आप डिस्प्ले सिर्फ बैठा के और चेक करके आपको डिस्प्ले ले आना और अपने से आप लगा सकते डिस्प्ले को। तो ये है प्रोसेस। और ये देखिए, सेम डिस्प्ले मैंने लिखा और थोड़ा बहुत अंतर है, आपको ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो चलिए, मैं इसे डुप्लीकेट मतलब लोकल डिस्प्ले, तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे स्टिकर है, स्टिकर को भी उखाड़ना होगा लास्ट जब मैं इसको बिठाऊँगा, तो स्टिकर को उखाड़ देना है। तो चलिए, पहले इसके जो प्रोसेस है मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब इसके जो प्रोसेस है, यहाँ पर आपको जो है सारे जहाँ पर डिस्प्ले चिपका हुआ था सारे को साफ कर लेना है साइड साइड में, ताकि आपका डिस्प्ले अच्छा से बैठ जाए। और ये आपको कपड़ा भी आपको मिल जाएगा वहीं से, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, 50 रुपये 40 रुपये के आसपास में आ जाएगा। अरे, ये गम का भी उपयोग करना डिस्प्ले चिपकाने के लिए, 70-80 रुपये के अंदर में गम आ जाएगा। तो ये डिस्प्ले को मैंने बैठा के पहले चेक कर ले रहा हूँ कि हमारा डिस्प्ले जो सेम बैठ रहा है कि नहीं, तो फिर बाद में रिटर्न नहीं होगा। तो ये मैं डिस्प्ले को पूरा तरीके से सेट कर लिया हूँ, ये हमारा सेट हो चुका। और एक बार फिर से मैं ओरिजिनल डिस्प्ले को ऑन करके देखूंगा कि हमारा जो है ये ओरिजिनल डिस्प्ले ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, हमारा जो है ओरिजिनल डिस्प्ले ऑन हो गया है और देखते हैं कितना हद तक ये काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, मैं अभी कर रहा हूँ तो टच की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बैठी नहीं है इसलिए। तो जब भी आप चेक करें तो डिस्प्ले को अलग करके ही चेक करें, ताकि आपका टच अच्छा से काम करे। तो मैं लगा के चेक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही है टच में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले आप चेक कर लें खुला में ही, तो आपका टच अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम करेगा। तो ये हमारा लगभग ठीक है, कभी कभी ये दिक्कत कर रही है, पूरा बैठा हुआ नहीं है, तो बैठने के बाद हमारा ये सही वर्क कर रहा है। तो ये है इसकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि आप फंस सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया और मैं आपको इसमें आपको अब लगा के दिखाऊंगा डिस्प्ले किस तरीके से। अब ये टच हमारा लगभग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही है, मतलब खुला हुआ है, इसीलिए जब बैठ जाएगा तो सारा चीज़ सही हो जाएगा। तो चलिए, मैं इससे डिस्प्ले को निकाल लेता हूँ, बैटरी को भी, ये हमारा हो चुका है और मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। और जो हमारे चैनल पर न्यू आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे, इसीलिए बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच पाएगा।
और देखिए मैं इस गम को साइड से लगा दिया हूँ और बहुत ही ईजी है। और ये इस तरीके से पत्ता को अंदर करना है और इजी तरीके से, और ये नॉर्मल आपको इस तरीके से बैठा देना, बहुत ही ईजी है डिस्प्ले लगाना। आपको सिर्फ खोलने का है, तो खोलने का लगभग लोकल दुकान से कहीं से भी जहाँ से आप डिस्प्ले खरीदेंगे वहाँ अगल बगल में आपको शॉप मिल जाएगा। मैं ये आपका एरिया का आप पता करें, आपको डिपेंड है आप पे। और इसमें आप एक डिस्प्ले लगाएंगे तो आपको 400 या 500 तक मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। लगभग दुकानों में ये प्रॉफिट होता ही है अरिक्स का। और ये हमारा हो चुका है और मैं इसको बैठा लिया हूँ, और बहुत ही बराबर तरीके से देख लेना है कि कहाँ कहाँ नहीं बैठा। और बैठने के बाद इसको मैं अभी रबड़ से वेंट कर दूँगा। और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है डिस्प्ले लगाना बिना मशीन का। आपके पास मशीन नहीं है तब भी आप इसको लगा सकते हैं डिस्प्ले, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए और कुछ से ये, तो जिससे कि आप सावधानी से खोल सकें। तो कुछ ये है कि हम जब भी इसको खोलें तो नेट में सर्च कर लें कि कौन सा मोबाइल में ये खोलना है, तो उसके ऊपर आपको पहले से वीडियो मिल जाएगी ताकि आपको पता चल जाएगा अंदर में क्या क्या है और कहाँ से कैसे खुलेगी। तो इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके जो मोबाइल का रिपेयरिंग करते हैं और इस तरह का प्रोसेस उपयोग नहीं करते, डिस्प्ले लगा नहीं पाते। तो ये मैं जो टेक्निक बताऊँ इस तरह से करके आप अपना काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और ये हमारा लग चुका है और मैं देखते हैं इसको रबड़ आपको बेंड कर देना, जितना रबड़ साइड और नीचे बीच में आपको लगा देना, और 4 से 5 घंटे तक आप इसको सूखने देना, आ रहा एक दिन। तो जितना एक दिन तक रखेंगे तो आपका डिस्प्ले अच्छा से चिपक जाएगा। तो लगभग 4 से 5 घंटा ही लोग रखते हैं, लेकिन जो मेन प्रोसेस है एक दिन का है सबसे अच्छा क्वालिटी में चिपकने के लिए। और ये हमारा चिपक चुका है और मैं अब इसको निकाल दे रहा हूँ। और ये हमारा सारे ये हमारा फिंगरप्रिंट्स है जो मैं इसको लगा दे रहा हूँ, खोल के रखा था सब, अब भी खोल लीजिएगा। और ये मैं नहीं दिखाया खोलने का, ये अब बहुत ही ईजी है। और 2-4 नट है जहाँ से बैटरी आपको निकाल सकते हैं, बैटरी क्लिप निकालने के लिए आप इसको खुलना ही होगा, तो नॉर्मल चीज़ है। तो लगभग ये चीज़ से आप लगा लेना है, और उसके बाद लगा के हम देखते हैं कि इसकी जो बहुत ही ईजी स्टेप है और बहुत ही, अब जब भी डिस्प्ले खोले या कुछ भी तो अदर पास्ट को आप हाथ ना लगाएं, नहीं तो मोबाइल का जो अंदर का सर्किट है ख़राब होने का चांस रहता है, बिना हाथ लगाए भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है माइक का प्रॉब्लम, और वो बोर्ड से कहाँ से प्रॉब्लम हो गया तो उसका भी होता है कभी काल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अदर पार्ट्स को आप ज़्यादा हाथ ना लगाएं, और नॉर्मली इस तरह का प्रॉब्लम कभी काल आता है, वो ऐसा हमेशा नहीं होता, तो हो सकता है कभी काल। तो इस चीज़ का मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। और ये मैं लगने बाद कवर, उसके बाद भी आप रबड़ लगाते हैं, देखिए अब मेरा आप टच बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अब ये चिपकने के बाद और ही अच्छा काम करेगा, और बहुत ही हाई क्वालिटी, मतलब डिस्प्ले आपको देखने में लग रहा है ओरिजिनल जैसे, लेकिन ओरिजिनल नहीं है बट लोकल में भी हाई क्वालिटी अच्छा है। और ये देखिए डिस्प्ले बहुत ही अच्छा क्वालिटी लुक, बहुत ही अच्छा दिख रहा है कैमरा में भी। और चलिए फिर ऐसे रिलेटेड वीडियो के साथ में फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा इन्वर्टर रिपेयरिंग का होगा, तो चलिए हमारे चैनल पर न्यू है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।